फिर आपके सामने है कोरोना से संबंधित खबर लेकर। लेकिन आज हमारा पहलू थोड़ा सा दूसरा होगा। आज हम सरकार के एक कदम की बात करेंगे जिसमें उसने सरकार ने निर्णय लिया है कि एमपीलैड्स योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित किया जाएगा। एमपीलैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो हम देखेंगे ये योजना क्या है, सरकार का हाल में लिया गया कदम क्या है, इस योजना के विभिन्न प्रावधान क्या हैं, उद्देश्य क्या था, कब लागू की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो क्यों चर्चा में है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया है और जिसमें सभी सांसदों के वेतन में 30% कटौती करने का निर्णय लिया गया है और एमपीलैड्स स्कीम को दो स्कीम के लिए 2 वर्ष का फंड कोविड-19 के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जो इससे जो भी आएगा तो हम आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, ये हमारे इसलिए चर्चा में है। अब योजना क्या है, एमपीलैड्स योजना क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इस योजना के तहत सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में या फिर भारत के किसी क्षेत्र में, उसको हम आगे देखेंगे अभी, तो विकास कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली से उद्देश्य देखिए इसका था, दिल्ली से जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो गांव-गांव तक पहुँचे, ये उसका उद्देश्य था। अब कैसे आगे होता है इसका देखते हैं। कब लागू की गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में 1993 में ये योजना लागू की गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी जैसे आप देख रहे हैं चित्र में। तो अब इसके तहत प्रावधान क्या है, प्रावधान इसमें यह है कि 5 करोड़ की राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष सभी सांसदों को सांसद निधि में, यानी एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, उसमें 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रत्येक सांसद को दी जाएगी। उद्देश्य क्या, हमने अभी देखा यह है कि दिल्ली से डेवलपमेंट को, विकास को गांव-गांव तक यानी अंतिम छोर तक विकास को पहुँचाया जाए। अब देखिए इसमें सांसद महोदय जिलाधिकारी को सुझाव देंगे कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आज इन सब चीज़ों पर खर्च करिए, तो सांसद जी के सुझाव द्वारा जिलाधिकारी खर्च करेंगे। अब देखिए सबको 5 करोड़ मिलता है, लेकिन खर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे जो निर्वाचित लोकसभा सांसद है, जो उनको जनता ने चुना है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में ही इसको खर्च करेंगे, और जो निर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं वो अपने प्रदेश से यानी जिस प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं उस प्रदेश में खर्च करेंगे, और जो नामित सांसद जिनको नॉमिनेट किया गया है वो भारत में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगला पहलू क्या है, इस योजना की आलोचना भी होती है कि ये भ्रष्टाचार का एक कारण हो चुका है, यानी कि सांसद महोदय जो भी हैं अपने हित के लिए इसको प्रयोग करते हैं, भी ऐसे आरोप लगते हैं, और कहा जाता है पैसा तो बढ़ता गया लेकिन इसका सही फायदा लोगों को नहीं पहुँचा। उद्देश्य क्या था, दिल्ली से विकास जो है गाँव की तरफ जाए, लेकिन हुआ क्या, देखिए पहले ये 2 लाख होती थी लेकिन बढ़ते 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 थे 5 करोड़ हो गई, लेकिन अभी भी देखिए कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ आम जनमानस पर। ये चीज़, ये था हमारा एमपीलैड्स स्कीम के तहत जिसमें सरकार ने अभी इस एमपीलैड्स स्कीम को 2 वर्ष के लिए स्थगित करके, सस्पेंड करके, उसके जो फंड जो भी रहेगा उसको कोरोना से संबंधित उसमें खर्च किया जाएगा। एक चीज़ हम और थोड़ा सा देखेंगे, पहलू से थोड़ा हट के है, पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन फिर देखेंगे। इसमें ये था जैसे अभी हमने देखा कि अध्यादेश जारी किया है, तो अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश हमारा जो होता है वो आर्टिकल 123 के तहत, संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। ये क्या है, जब लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों में से यदि कोई भी सदन सक्रिय नहीं है, यानी कि एक भी सदन यानी कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता है, या दोनों सदनों सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास 123 अनुच्छेद के तहत शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या है, ये जो लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं उसी का एक वैकल्पिक ऑप्शन, ये वैकल्पिक सुविधा है। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। धन्यवाद। कोरोना के लिए सचेत रहिए, फिर से कहूँगा मैं, सरकारी नियमों का पालन करिए, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब उम्मीद है कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा, कुछ राज्यों ने जैसे उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इनने लॉकडाउन को अभी एक्सटेंड कर दिया है, जल्द ही केंद्र सरकार भी सूचना जारी करेगी। हम सभी को ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, सचेत रहना है। धन्यवाद।